कुछ तो कमी है, तो ऐसा लगता था कि कहीं तो कुछ कमी है कि हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन और आफ्टरनून सेशन आता था TNC से, तो फिर मैं उसी हिसाब से बराबर 3 पेपर रोज देती थी। तो मैं वो वीडियोज हर देखती थी, हर पेपर रिव्यू करती थी और कौन से निगेटिव मार्किंग है मैंने बुक बना के रखा था। ऐसा लगता था कि पॉसिबल नहीं है, मेरा इतना ही रैंक आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, ये तो करना ही है, हमारे रिग्रेट करने से कुछ चेंज नहीं होगा। वो 10 लाइन लर्न भी कर लेंगे तभी भी वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन TNC की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माइसेल्फ भोजा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ है एक ऐसे टॉपर्स जिनके संघर्ष की कहानी जानकर आपको भी लगेगा कि हाँ, एक बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया जा सकता है। एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की नौकरी के साथ साथ किस प्रकार से मेहनत की जाती है और एक लंबे संघर्ष के बाद एक बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया जाता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है सुतमने दिव्या जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इस समय एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा आपने हासिल किया है, तो कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है सर, फाइनली रिलीव्ड लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था कि हाँ, इतना बड़ा रैंक? नहीं सर, सच में नहीं सोचा था, लेकिन लास्ट में आपके साथ, मतलब TNC टीम के साथ मेहनत कर करके और बार बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर करके फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, धीरे धीरे आया, लेकिन स्टार्टिंग में तो नहीं लगता था, लेकिन इतना मतलब रैंक हो जाएगा। बिल्कुल, अब आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं और बहुत सारे बच्चे आप इस समय आपको फॉलो करेंगे और आपको जो सीधी सी बात एक पच्चीन है उन पे चलने की कोशिश करेंगे कि दिव्या ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इतना बड़ा रैंक हासिल किया है। तो आने वाले समय में बहुत सारे व्यूअर्स आपको फॉलो करने वाले और आपसे बहुत सारी बातें जानने की इच्छुक है। तो आज का इंटरव्यू शुरुआत कर रहे हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। यस सर, माइसेल्फ दिव्या भूमेश्वर महाकाळकर, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा BSc नर्सिंग शॉर्टेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग से हुआ है। मैं पास आउट 2019 में हुई थी और बस। ओके, 2019 और अभी चल रहा है 2000, जो भी 5 साल का गैप है और ये गैप बहुत ही लंबा, एक लंबा संघर्ष मैं कह सकता हूँ कि 2019 से 2024 का इस 5 साल में आपने क्या किया? सर, एक साल उसके बाद तो कोविड था, तो तब कोई जॉब नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद मेरा फर्स्ट CHO का एग्जाम आया था, तो फिर वो एग्जाम दिया, उसमें मेरा हो चुका था, तो फिर मैंने CHO ज्वाइन किया था, फिर CHO कर रही थी। उसके बाद मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद ही मैंने ये सब प्रिपरेशन शुरू किया। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया फर्स्ट एम्स, लेकिन उसमें मेरा नहीं हो पाया मेन्स में, और फिर उसके बाद मैंने TNC के साथ TNC का सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद मैंने सेकेंड एम्स दिया, तो उसमें फिर अब अच्छा हुआ है रैंक के साथ। मैं आ जाता हूँ लाइन पे कि वो नॉर्थसेट 5.0 की आप बात कर रहे हैं, पिछला मैंने एक एम्स दिया था, तो उस एम्स को आपने अटेम्प्ट किया था। पिछली बार आपने बहुत सारा गैप लिया था, CHO की आप जॉब कर रहे थे, उसके बाद आपने सोचा कि नहीं, कुछ तो बड़ा करके दिखा रहा है और कुछ बड़ा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आपने वापस से शुरुआत की, पहला एग्जाम दिया तो फेलियर आपको झेलना पड़ा। उस दिन कैसा लगा कि जिस दिन आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, बड़ा गुस्सा आया होगा? हाँ, गुस्सा मतलब खुद पे ऐसा लगता था कि मतलब कुछ तो कमी है, कुछ तो कम कर रहे हो, जो आप मतलब नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन। उसके पहले भी एम्स दिया है, लेकिन ऐसा प्रिपेयर करके नहीं दिया था, लास्ट वाला एम्स प्रिपेयर करके दिया था, लेकिन स्टिल मेरा नहीं हो पाया, तो ऐसा लगता था कि कहीं तो कुछ कमी है कि हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जो आपने स्ट्रेटजी बनाई और उस स्ट्रेटजी के बाद इतना बड़ा रैंक को हासिल किया, तो किस प्रकार से आपने स्ट्रेटजी बनाई और क्या स्ट्रेटजी यूज की थी कि हाँ, मुझे सिलेक्शन लेना है और इतनी बड़ी रैंक के साथ लेना है? स्ट्रेटजी मतलब मेरा पर्सनल बिलीफ ऐसा है कि पहले पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया था मैंने, तो पूरा थ्योरी के साथ मैं MCQ स्टार्ट करती थी। मैंने पहले इसमें भी TNC टेस्ट सीरीज ले रखा था, लेकिन फिर मैंने उसके बाद मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था, वापस से सब्सक्रिप्शन लिया, फिर मेरा एक बार अच्छे से जब थ्योरी कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद मैं MCQs करना स्टार्ट करी, फिर मैं थ्योरी रिवाइज करती थी डेली और साथ में MCQs करती थी डेली रोज का। जो मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन और आफ्टरनून सेशन आता था TNC से, टेलीग्राम पे आता था उसका नोटिफिकेशन, तो फिर मैं उसी हिसाब से बराबर 3 पेपर रोज देती थी, और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम रहता था उसमें जो अपने नोट्स थे, पर्सनल नोट्स और NCLEX,
बुक जो है उससे मैंने पूरा रिवाइज करती थी। तो बस ओके, यही सबसे पहली रैंक टीएनसी के अंदर जब आपने अपीयरेंस पहला एग्जाम दिया होगा तो कौन सी आई थी? सर, मेरा तो फर्स्ट रैंक शायद 5,000 था, 5,000 कुछ आया था, जो फर्स्ट रैंक आया था पहली ओके एम्स में। ओके, तो फिर उसको फिर इम्प्रूव करने के लिए धीरे धीरे जब आप टीएनसी के साथ लगातार आगे बढ़ रहे थे और रोजाना जब एग्जाम दे रहे थे तो बहुत सारी गलतियां आपके साथ हो रही थी, बहुत सारे मिस्टेक्स जी हो रहे थे, तो किस प्रकार से आपने उसको इम्प्रूव किया कि हाँ इन चीजों को मुझे इम्प्रूव करना चाहिए? हाँ सर, जैसे जब हम एग्जाम देते थे तो उसके साथ नीचे वीडियोस आते थे, रैशनल वीडियो की वीडियोस, रेशनल्स, तो वो रैशनल्स आते थे। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता था, तो कोई कोई वीडियोस छोटे छोटे रहते थे, कोई कोई वीडियोस बड़े रहते थे, एक एक घंटे के वीडियोस आते थे एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मैं वो वीडियोस हर देखती थी, हर पेपर रिव्यू करती थी, और कौन से निगेटिव मार्किंग है मैंने बुक बना के रखा था, वो बुक ही मैंने एग्जाम के पहले, सिर्फ वो दो ही बुक पढ़े थे, मेरे नोटबुक्स है दो, वही दो बुक्स पढ़े थे कि जो जो गलत हो रहा है उस उसका रैशनल लिखो, और सिर्फ रैशनल नहीं, वो जो एक्सप्लेनेशन सर बताते थे वीडियो में पूरा, उसका पूरा शॉर्ट नोट्स बना के मैं लिखती थी, और फिर वही वापस वापस रिवाइज करके। और मतलब पहले पहले ऐसा लगता था कि पॉसिबल नहीं है, मेरा इतना ही रैंक आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, लेकिन धीरे धीरे वो रोज रोज प्रैक्टिस करके करके हुआ कवर। ओके, टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो एमसीक्यू के साथ आप लगातार आगे बढ़ रहे थे और लगातार आप छोटे छोटे जो रेशनल्स आ रहे थे उनको नोट्स नोट्स, में बना हाँ रहे थे और लगातार आप आगे चल रहे थे। एग्जाम हॉल, एक फेलियर्स, इतना लंबा संघर्ष और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन की ओर ले जाती है। कभी कभी ऐसा मन में नहीं आता कि यार ये सब छोड़ दो, ये सब चीज छोड़ छाड़ के अपना तो ठीक है, जैसे जॉब चल रहा है वैसे ही ठीक है। ये इस प्रकार की जब नेगेटिव फीलिंग्स आती थी, किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेशन या मोटिवेशंस बना के रखते थे? वो तो बहुत सच में मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। लास्ट पूरा ईयर बहुत ज्यादा टफ था मेरे लिए, मैं अकेले कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी, लेकिन वही लगता था कि नहीं, मतलब अपने पेरेंट्स है वो इतना भरोसा कर रखते हैं हम पे, और बाकी फ्रेंड्स लोग हैं जो उनको उनको बिलीव था कि मैं कर पाऊंगी, मैं कर सकती हूँ। तो अगर वो आगे वाला इंसान ऐसा सोच सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, मतलब एक और ट्राई देने के लिए, अपना 100% देने के लिए क्या कम है। और सब अच्छा है सर, मतलब पेरेंट्स ओके, से बहुत ही सपोर्ट अच्छी बात था। बताई और आपने एक बहुत ही शानदार बात बोली है कि घर वालों का साथ हो, पेरेंट्स का साथ हो और तो 101% सफलता मिलती है। नियर में कोई घर वाला है तो उनसे बात करवा सकते हैं, जी जी सर, मेरे पेरेंट्स हैं। आज उनसे भी जान लेते हैं कि बेटी ने जो कमाल करके दिखाया है कैसा फील कर रहे हैं नमस्कार, वो। नमस्कार जी, आप थोड़ा सा फोन नमस्कार को सर की तरफ घुमा दीजिए। तो बेटा फोन जी, सर सर हाँ सर, कैसा लग रहा है सर जी? बहुत बेटी ने बढ़िया बहुत ही साहब। बड़ा रैंक हासिल किया है हाँ, बढ़िया बढ़िया। आज। बेटी ने बहुत ही प्राउडेबल मोमेंट्स को हासिल किया है, एक बहुत ही बड़ा ऑल इंडिया के अंदर नाम कमाया और बहुत ही शानदार रैंक को हासिल किया है। इस समय घर के अंदर कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया सर। ओके, बच्चा जब पढ़ता था तो क्या लगता था आपको भी कि हाँ इस बार हाँ, बड़ा बिल्कुल करेगा? लगता था, लगता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माताजी से बात करवा दीजिए क्योंकि। था। हाँ हाँ 1 मिनट सर, नमस्कार जी, कैसा नमस्कार। लग रहा है बेटी ने एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है? बच्चा जब घर में पढ़ रहा था, रोजाना एग्जाम दे रहा था तो लग रहा था कि हाँ चलो एम्स नागपुर मिल जाएगा या बहुत बड़ा करने वाला है लगता था, पक्का, या आज ऐसे इंटरव्यू में ही बोल रहे हैं? नहीं, पक्का लगता था, बहुत मेहनत ओके करी उसने। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पापा ने कंधे पे बेटे पे हाथ रख लिया है और प्राउडेबल मोमेंट्स फील करवाया है कि हाँ प्राउड बेटी ऑफ हो यू। तो दिव्या हाँ जैसी। हाँ दिव्या जैसी हो। हाँ बढ़िया बढ़िया, बताओ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद दिव्या पे बने रहे और टीएनसी परिवार आपके साथ है और टीएनसी परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक थैंक यू सर, यू जी। ठीक है दिव्या जी, पापा को आज बहुत ही बड़ा प्राउड फील हो रहा है और इस समय बेटी के कंधे पे हाथ रख के हाँ बेटी जी बिल्कुल, आज तो उनको बिल्कुल अच्छा ही फील हो रहा है, बहुत ही शानदार वाली फीलिंग आ रही है। जी। चलो बहुत ही बढ़िया दिव्या, और ये मोमेंट्स रियल में एक बहुत ही ऐसा मोमेंट होता है कि इस बेसब्री से इंतजार होता है कि हाँ मेरा बेटा या बेटी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर माता पिता की ये सपना होता है कि जल्दी से जल्दी नर्सिंग ऑफिसर बने और आपने घर के नजदीक ये और बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करके उनके पास ही रहने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ एग्जाम के ऊपर की एग्जाम होने वाला था प्रीलिम्स मेंस,
पैटर्न चेंज हो गया, तो पैटर्न जैसे ही चेंज हुआ होगा तो डर नहीं लगा कि यार क्या है ये, हम हाँ पीछे पड़ गया क्या? हाँ नहीं, लगा था डर, सिर्फ लास्ट टाइम्स में भी उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस ऐसा ला दिया था, तो तभी भी मैं पैनिक कर गई थी, क्योंकि उसके पहले से एक ही एग्जाम रहता था। फिर मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया तो प्रीलिम्स और मेंस ला दिया। अब इस बार वापस से उन्होंने टाइमिंग वाला ये कर दिया था, लेकिन जो टेस्ट सीरीज देती थी, मैं तभी भी टेस्ट सीरीज देती थी, तो उसमें सेकेंड थर्ड डे ही आपने वो अपडेट दे दिया था ना, तो फिर उसमें मैंने यही सोचा कि कोई बात नहीं, जो भी अभी चेंजेस आएंगे वो तो करना ही है, हमारे रिग्रेट करने से कुछ चेंज नहीं होगा, करना ही पड़ेगा वो। फिर मैंने वो प्रैक्टिस किया, फर्स्ट जो एग्जाम दिया था टाइम लिमिट वाला, उसमें मेरे क्वेश्चंस छूट गए थे, मतलब बहुत रीड करने में टाइम ये रहता था, तो मेरे क्वेश्चंस छूट गए थे टेस्ट में भी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपने आप आदत हो गई, क्योंकि आपका टेस्ट सीरीज में वैसा ही पैटर्न आता था ना, तो धीरे ओके धीरे गुड। फिर आदत हो गई। एग्जाम हॉल में एक दिन पहले, एग्जाम आज होने वाला है उससे एक दिन पहले बच्चों के, मतलब होता ना कि बच्चे सोचते हैं कि यार मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, हर बच्चे के मुंह में डर रहता है, सारे बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। तो मैं टॉपर्स से भी पूछता हूँ कि आप टॉपर्स हैं तो क्या आपके अंदर भी वही फीलिंग थी कि यार क्या होगा? बच्चे सोचते हैं कि यार टॉपर्स कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होके गया होगा या सब कुछ उसको याद है तो सारी चीजें अलग होगी, तो क्या आप बताएं कि क्या चल रहा था उस नहीं दिन एक दिन पहले की वाली फीलिंग? सर, एक दिन पहले मेरा बर्थडे था, 4th ऑफ मई को मेरा बर्थडे था, और नेक्स्ट डे पेपर था, और मेरा सेंटर रायपुर था सर, इस बार हमको नागपुर मिला ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं था, तो मैं 4th ऑफ मई को नागपुर से रायपुर ट्रेवल करे, फिर वहां पे रिलैक्स, मतलब थोड़ा मुझे पता था कि डर तो था, बहुत डर था कि मतलब क्या होगा कैसा होगा, लेकिन यही कंट्रोल करके कि पैनिक, अभी अगर पैनिक कर दिया तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैं अपने सिर्फ 2-3 बुक्स लेके गई थी, कॉपीज, नोटबुक्स जो क्वेश्चंस की मैंने बनाई थी, और बस वही मैंने पिछले दिन रिवाइज किया रात को, और नेक्स्ट मॉर्निंग पेपर के लिए गई थी। पेपर में जब आप एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे थे कैसा लग रहा था कि भाई ये पेपर कुछ अजीबोगरीब आ गया है या टीएनसी की तरह ही चल रहा है? नहीं, अजीबोगरीब बिल्कुल नहीं लगा सर, मुझे सच में बहुत हेल्प हुआ, लाइक सीरियसली मुझे बहुत हेल्प हुआ मेरे टाइम मैनेजमेंट में और क्वेश्चंस को रीड करने में, मतलब वो क्वेश्चंस का आंसर अगर आता भी है तभी भी हम वो पेपर देख के पैनिक कर जाते थे पहले, लेकिन अब जब मैं वो क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व करती थी, तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि आराम से क्वेश्चन रीड करना है, और मेरा टाइम भी 2-2, 3-3 मिनट्स, 10-10, 4th सेशन में तो 10 मिनट्स मेरे पहले ही हो गया था 4th वाला सेशन। बिल्कुल हाँ, फिर मैंने उसे वापस वापस बिल्कुल। रिवाइज किया। ओके मेंस के पेपर के अंदर मैं बात करना चाहूंगा कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे? वैसे मैंने 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मेंस में। ओके वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त, 87 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने राइट और कितने गलत कुछ याद है? सर अभी वो देखा ही नहीं इंडिविजुअल है, रिजल्ट आया नहीं है, डाउनलोड आ नहीं गया हो रहा है है लेकिन सर, आपने देखा नहीं है, आ नहीं गया सर है डाउनलोड नहीं हो लेकिन रहा है, मैंने 2-3 बार देखा हाँ लेकिन नहीं कोशिश की हुआ। कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं टॉपर से जब रिजल्ट आया तो पहला रिएक्शन? मैं तो शॉक थी, मैंने आपका ही मैसेज सबसे पहले देखा था सर ग्रुप पे, मतलब मैं मम्मी के साथ बैठ के चाय पी रही थी तब, और एकदम मैंने मैसेज देखा, मतलब ऐसा यकीन नहीं हुआ कि इतने जल्दी रिजल्ट कैसे आ गया, फिर मतलब देखा तो वो 35 मुझे दिखा, मैं पहले बिलीव नहीं हुआ मुझे कि मतलब सच में है क्या, फिर मैंने वापस क्रॉस चेक किया और सबसे पहले मम्मी को ही रिजल्ट बताया कि ऐसा ऐसा आया है करके, फिर पापा को बताया। ओके एक बात और पूछना चाहता हूँ, नोट्स का जो आप तैयारी कर रही थी और ड्यूटी के साथ इतनी मेहनत कर रही थी, तो बच्चे जानना चाहते हैं कि कितने आवर्स की स्टडी, अमूमन ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो बच्चा बार 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 पूछता है कितने घंटे पढ़ू सर, कितने घंटे पढ़ू कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आप बताएंगे टॉपर्स के कितने घंटे टॉपर्स पढ़ता है? सर मैं सच में बताऊं, मैं दिन भर बैठती थी, ऐसा नहीं है दिन भर पढ़ती थी, लेकिन सुबह मैं ऊपर, मतलब टेरेस पे मेरा रूम है स्टडी रूम, वो मुझे पापा ने बना के दिया था, तो मैं वहीं पे पढ़ती थी, सुबह सुबह चाय पी के ऊपर जाती थी, फिर वहां पे 3 घंटा पढ़ती थी, फिर नीचे आती थी वापस से फ्रेश वगैरह होके वापस पढ़ती थी, फिर वापस शाम को पढ़ती थी, ऐसा मतलब मैंने सच में इतना टाइम पढ़ा, मैं ऐसी स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं इतना पढ़ूंगी, मैं थोड़ा सा पढ़ के पेपर निकाल लेती थी पहले जो कॉलेज वगैरह के एग्जाम है, मुझे इतना टाइम बैठ के, मतलब इतना पेशेंस नहीं है मुझमें, लेकिन वो सब डेवलप किया और मैं सच में बहुत 6-7 घंटे तो पढ़ना हो ही जाता था। ओके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। लास्ट में मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत सारे बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं, थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये थोड़ा सा इस बारे में क्योंकि
क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं थ्योरी पढ़ लो थ्योरी पढ़ लो थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ने से ही सब कुछ होगा, थ्योरी से ही चीजें आती है, मैं भी मानता हूँ थ्योरी से ही आती है, तो क्या लगता है कि थ्योरी पढ़ के ही, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ही सारा चीजें हो जाएगी, या थ्योरी के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस कितना बड़ा रोल निभाती है? नहीं सर, एमसीक्यू प्रैक्टिस ही बहुत बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि हमको थ्योरी पढ़ते, मैंने भी थ्योरी पढ़ा, पर वो थ्योरी पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि ये थ्योरी में से क्या है इम्पोर्टेंट जो हमने पढ़ना चाहिए, तो वो एमसीक्यू सॉल्व करके ही हमको पता चलेगा कि इसमें ये 10 लाइन का पढ़ लिया लेकिन इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हमको वो एमसीक्यू सॉल्व करके ही समझेगा। नहीं तो हम वो 10 लाइन लर्न भी कर लेंगे तभी भी वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो जब हम वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि ये पढ़ना पड़ता है, तो हम उस माइंडसेट से पढ़ेंगे, तो उसके लिए पहले एमसीक्यू सॉल्व करना ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, वेरी गुड। टॉपर्स का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट और सबसे खराब सब्जेक्ट तो मेरा वैसे फेवरेट सब्जेक्ट साइकेट्री और गायनेकोलॉजी है, नॉट बता फेवरेट दीजिए, कोई बात नहीं, एक्सोजियोलॉजी। कोई ना कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको खोलने का मन ही नहीं करता मतलब वो रिसर्च हो गया, ये जो माइनर है। वो सब्जेक्ट्स थे मतलब मेरे मन में मैं यही सोच रहा था कि इसका नाम क्यों नहीं आ रहा, रिसर्च का नाम। वो उसका उसको खोलने का ही मन नहीं करता सर, क्योंकि वो पढ़ के ऐसा लगता था कि अरे भाई ये तो कुछ आता ही नहीं है, तो वो पढ़ के मुझे बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के आंसर्स आपने दिए और बहुत ही शानदार तरीके से। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, ये बिल्कुल डिफरेंट हट के क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि नॉर्थ से पार करने के लिए कौन कौन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाए, तो या सारे सब्जेक्ट पे फोकस करें, या स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट्स हो जो आप आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? जी सर, वैसे सभी सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी जो ट्रेंड शुरू, मतलब अभी जो एग्जाम शुरू का पैटर्न शुरू है, उसमें फोन, इमरजेंसी केयर, फाउंडेशन नर्सिंग, इमरजेंसी केयर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे साइकेट्री हो गया, गायनेकोलॉजी हो गया, जो मेन हमारे 5 सब्जेक्ट्स है, वो कभी मिस कर ही नहीं सकते, मतलब वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो हम सब्जेक्ट को ऐसा सेकेंडरी कंसिडर करें। हम बाकी जो माइनर सब्जेक्ट्स है उनको ऐसा सेकेंडरी कंसिडर कर सकते हैं कि इनको एक बार पढ़ लेंगे तो मतलब ध्यान में रहेगा, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन फोन हो गया, गायनेक हो गया, उसके बाद अपना चाइल्ड हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, उस पर भी बहुत क्वेश्चन है, इमरजेंसी केयर हुआ, ये सब सब्जेक्ट्स, एमएसएन तो इम्पोर्टेंट ही है, ये सब सब्जेक्ट्स को करना कंपलसरी ही है। एक सवाल टीएनसी से रिलेटेड पूछना चाहूंगा और फिर उसके बाद मैं लास्ट में एक सवाल लूंगा। टीएनसी में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? सर मुझे पर्सनली सबसे अच्छा चीज ये लगा कि आप जो रैंक्स भेजते हैं ना रोज सुबह और रात को, जो रैंक्स आते हैं उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है सर, मतलब आज अगर 20th रैंक आया तो कल जाके 15 आना चाहिए, ऐसा रोज मोटिवेशन मिलता है। और उसके ऊपर जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम, उसके नीचे जो रैशनल वीडियोस आते थे, उसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है, मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ के ऐसा ब्रॉड माइंड रहता है, लेकिन वो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ के हमको जो हमारा कंसेप्ट है, माइक्रो कंसेप्ट, वो हर एक चीज क्लियर होती है छोटी छोटी चीजें पढ़ने से। बुक पढ़ने से तो मुझे पता था कि इतना है इसमें, लेकिन वो छोटी छोटी वीडियोस देख के फिर उसका डिटेलिंग पता हुआ, तो ये जो छोटी छोटी ओके, चीजें आती है उस वही हेल्पफुल थी। लास्ट में बहुत ही जबरदस्त सवाल, जो बच्चे इस समय आपको फॉलो कर रहे हैं, इस इंटरव्यू को लास्ट कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, कि यार दिव्या ने इतना बड़ा कमाल करके दिखाया है, तो क्यों नहीं हम दिव्या से भी अच्छी रैंक लेके आए, और ये बात दिव्या से ही पूछ रहे थे कि दिव्या आपने मुंह से बताया कि हम क्या फॉलो करें, हम क्या चीज को फॉलो चीजें करें जिससे हम आपसे भी अच्छी रैंक लेके आ जाए। बिल्कुल सर, मेरा पर्सनल ऐसा ही है कि मतलब अपना माइंड क्लियर रखो कि क्या करना है, मतलब एक जगह पे फोकस रखो, उसके बाद अपना थ्योरी बिल्ड करना, पूरा कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, थ्योरी इन द सेंस सिर्फ लर्न नहीं रहना चाहिए चीजें अपने जाए, तो हमको समझे कि क्या चीज है और क्या करना चाहिए, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस, सिस्टम वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस, और जो रोज पेपर आते हैं वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही आपको आपकी रैंक से ऊपर लेके जाएगा, हर एक एग्जाम एक एक स्टेप ऊपर लेके जा सकता है, इतनी डेडिकेशन के साथ वो पेपर सॉल्व करना चाहिए और पूरे मन से सॉल्व करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस टेस्ट सीरीज है इसलिए सॉल्व करो, जो भी पेपर दे रहे हैं वो पूरे डेडिकेशन के साथ सॉल्व करो, और हर एक पेपर से हम एक एक स्टेप एक एक एमसीक्यूज ऊपर जा सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल बिलीफ और एक्सपीरियंस है सर। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त आपने सजेशन दिया कि रोजाना जो पेपर होते हैं उनको बिल्कुल सीरियसली, हर दिन एक एक स्टेप हम ऊपर जाएंगे, हर दिन एक एक क्वेश्चन, एक एक रैंक, और एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स लेके आता है, माइनस मार्किंग जब आती है तो हजारों बच्चों से आगे ले जाता है, और
वो आपने बिल्कुल करके दिखाया, और इसी के बेस पे आप उनको सजेशन दे रहे कि हमेशा पेपर दे, लाइव पेपर दे, रैंक देखें, एनालिसिस करें और लगातार कंटिन्यूअसली चलते रहें। बहुत ही जबरदस्त शानदार स्ट्रेटजी आपने दी और बहुत ही बेस्ट सजेशन बच्चों को लिए दिया है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये इंटरव्यू अटेंड किया और बहुत सारे बच्चों को ये सजेशन दिए, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारे क्वेश्चन जानने को मिले। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर।